हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू सब ठीक होगे। मैं फिर से लेके आ गया हूँ एमजी कार्टून स्टोरी भय से भूत का सामना। आशा करता हूँ ये स्टोरी आप सबको पसंद आएगी। एक रात की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका नाम प्रीता था। गांव में एक पुराना हावड़ा था जिसे ग्रामीण लोग डर के कारण त्याग चुके थे। प्रीता को वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वह उस घर को आवारा कुत्तों के रूप में इस्तेमाल करने लगी। एक रात प्रीता और उसका बेटा अकेले घर में थे। बेटे को नींद आ गई और प्रीता अकेली रह गई। तभी उसे आवाज सुनाई दी, तप 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 तप। यह आवाज उसे भयभीत करने लगी। वह आवाज के पीछे पड़ी और देखा कि उसे हावड़ा आवाज दे रहा है। प्रीता डर गई और बेटे के पास जाकर बोली, बेटा आवाज सुन रहे हो? कुछ अजीब हो रहा है। बेटा ने उससे कहा, माँ ये तो आपके मन में विचारों की सृष्टि है, आपको यहाँ ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रीता बेटे की बात पर ध्यान नहीं दे पाए और डर से तड़पती रही। आवाज और तेज हो गई और तभी वह एक भूत की तरह आगे बढ़ी और प्रीता को आपसे झूलते हुए देखा। प्रीता ने चिल्लाकर अपने बेटे को बुलाया, लेकिन वह कुछ कहने के लिए बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब प्रीता होश में आई, वह उसे एक विपरीत घटना की याद आई। उसे याद आया कि पिछली रात उसका बेटा जब अपने मन के विचारों से उठा तो वह अकेले था। वह ये भी सोचने लगी कि शायद वह आवाज उसके विचारों का ही फल था और वह उसे डराने के लिए उसे घर के बाहर खींच रहा था। बाद में प्रीता ने ग्रामीण समुदाय को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने ये जाना कि यह भूतनी एक रात में वहां से गुजर रही थी जब वह उसे जगह खींच ले गई थी। इस घटना ने प्रीता को ये सिखाया कि हमारे अंदर के भय की वजह से हम अक्सर अपनी कल्पना को भूत के रूप में देखते हैं। जब तक हम अपने भय का सामना नहीं करते, तब तक हम उसके कारण डर को जीने की इजाजत देते हैं। ये स्टोरी आप सबको आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।